कोरोना के बाद देश में स्थिति बहुत बदल गई है। कई लोगों की जान, कई की रोजगार छिनी तो कई लोग बेघर हो गए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समस्या की घड़ी में बड़ी राहत देने के लिए आगे आए हैं। बताते हैं आपको पूरी खबर, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध दंपतियों में से एक ने कनाडा में बेघर युवाओं की मदद के लिए $5,00,000 का दान दिया। रायन रेनल्ड्स और ब्लेक ने जीवंत रूप से कोवेनेंट हाउस वैंकूवर और कोवेनेंट हाउस टोरंटो में प्रत्येक को $2,50,000 देने का वचन दिया। इंटरनेशनल कोवेनेंट हाउस का कहना है कि उसने यूएसए, कनाडा और लैटिन अमेरिका में 1 मिलियन से अधिक बेघर युवाओं की सेवा करने के लिए अवसर के रूप में एक ब्रिज का काम किया है। संगठन ने कहा कि भोजन, आश्रय और तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों को प्रदान करने के अलावा ये बेघर बच्चों को सफल और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। साथ ही युवाओं का समर्थन भी करता है जो यौन तस्करी के शिकार हो जाते हैं। जून में लाइवली एंड रेनल्ड्स ने पुलिस क्रूरता के खिलाफ विरोध के चलते NAACP लीगल डिफेंस और एजुकेशनल फंड को $2,00,000 का दान दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।